गाइज कंप्यूटरों पर आप कितना देर तक देख सकते हैं, मुस्लिमों को कहाँ पर नागरिकता नहीं मिलता है, आदमी कहाँ पर सांप को खाता है। जी हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गाइज जो कि कोई भी देश है वह नागरिकता प्रदान करता है अपने देशवासी को, लेकिन जैसे कि भारत है वह सबको नागरिकता प्रदान करता है, बहुत सारे देश है सभी देश, लेकिन किन जातियों को कौन सा देश नागरिकता प्रदान नहीं करता है उसके देश में रहते हुए भी। जापान है जो कि वह मुस्लिमों यानी मुसलमान लोगों को वह नागरिकता प्रदान नहीं करता है, वह कहता है कि मैं मुसलमान को नागरिकता नहीं प्राप्त करूंगा, जिसके कारण मुस्लिमों को किसी के यानी किराया लेना है घर रूम वगैरह तो नहीं मिलता है उनका किराया, बहुत दिक्कतों का सामना करना। गाइस जैसे कि मेरे भारत देश में राजस्थान एक राज्य हुआ जिसका क्षेत्रफल है, उसके अंतर्गत क्षेत्रफल आता है एक देश, उस देश का आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे, वह बहुत बड़े देश हैं, उसका नाम क्या है, जैसे कि फ्रांस। फ्रांस देश है जिसका क्षेत्रफल एक राजस्थान में राज्य के उससे भी कम है, फ्रांस के देश। गाइस कौन सा देश है जहां पर सांप मेढक हॉर्स घोड़ा इन सभी को वहाँ काट कर खूबी आनंद से खाता है, मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की कोई देश की खास देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अधिक मात्रा में स्नेक मेढक इन सभी को काट कर खाया जाता है। फ्रांस एक ऐसा मात्र देश है जो अधिक मात्रा में रिकॉर्ड बना चुका है कि मैं खाता हूँ। राज मैं आपको बता देता हूँ कि जो भाषाएं यानी कि भारत में लगभग 10 प्रकार के भाषाएं का उपयोग किया जाता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, लेकिन एक ऐसा देश है बहुत कम ही जगह में वो बहुत यानी कि विभिन्न प्रकार के भाषाओं का उपयोग करता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड में है 300 से अधिक यानी लगभग 300 भाषाओं का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के बोले। गाइज भारत में यानी कि भारत देश है वह सबसे अधिक मात्रा में चाय उत्पादन करता है, यह बात अच्छी है कि चाय उत्पादन करता है, लेकिन कौन सा देश है जो कि अधिक मात्रा में वह चाय को पीता है यानी कि बनाकर चाय को वह अधिक मात्रा में पीता है। भारत ने उत्पादन किया लेकिन किसी और देश ने अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहा है, इंग्लैंड। इंग्लैंड है वो अधिक मात्रा में चाय को वहाँ पीता है जो कि भारत चाय को अधिक बनाता है। आज आप लोग हम लोगों ने कोई जुर्म किया है तो उनका सजा मिलना ही है या जेल से लेकर कोई भी काम तक, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पर जानवर अगर कोई यानी कि जानवर कोई गलती कर दिया तो उसके लिए सरकार ने नियम निकाला है कि अगर जानवर भी गलती कर दिए उनको सजा मिलना ही है, यानी कि कानून के अंतर्गत कोई भी गलती कर दिया सजा जानवर को मिलना ही है। इंग्लैंड एक ऐसा देश बना हुआ है जानवर को सजा देता है उसके गलती का। अगर आप किसी वस्तु पर एकत्रित को अपने माइंड को कर रहे हैं यानी कि दिमाग को एकत्रित कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल हो लैपटॉप हो कंप्यूटर हो या जो भी पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं कोई भी रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कितने देर तक उस पर फोकस लगातार कर यानी कि कर पाइएगा, उसके बाद आपका दिमाग है माइंड भटक ही जाना है। 7 से लेकर 10 यानी कि 7 से लेकर 10 मिनट के अंतर्गत आपका दिमाग जो है वो भटक ही जाना है, उसके बाद आपको दूसरा सोच। गाइस इंग्लैंड में आजकल बहुत लोग रहते हैं, पढ़ने से लेकर वहाँ पर रहने का प्रक्रिया बहुत अधिक है, लेकिन आप लोग ने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि इंग्लैंड में कितने यानी कि विदेशी बाहरी लोग कितने रहते होंगे, वहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ कितने होंगे, जितना उसमें जनसंख्या है इंग्लैंड के उसके 25% जितना है यानी कि 25% से वह विदेशी है यानी कि बाहर से आकर इंग्लैंड में रह रहे हैं जो कि अस्थायी हो चुके हैं 25। गाइज आप 1 सेकेंड के अंतर्गत कितने सिगरेट पीते हैं और भारत देश के अंतर्गत कितने सिगरेट पिए जाते हैं आप 400 लिख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा देश है वह 1 सेकेंड के अंतर्गत बहुत अधिक सारे सिगरेट पिए जाते हैं, आप उसे जानकर चौंक जाएंगे, 1 सेकेंड के अंतर्गत 50,000 सिगरेट को पिया जाता है उस देश में, यानी कि चीन देश है, उस चीन देश के अंतर्गत 50,000 सिगरेट को मात्र 1 सेकेंड के अंतर्गत पिए जाते हैं। गाइज आजकल इंटरनेट पर जो साइट है वहाँ बहुत अधिक फेमस है चल रहा है, यानी कि जैसे कि बता दें मैं आपको कि गूगल क्रोम यूसे ब्राउजर सफारी इन सब वेबसाइट आजकल बहुत चले, लेकिन आप कभी ने अंदाज लगाए हैं कि इनके पहले यानी कि बहुत पहले कौन सा वेबसाइट फेमस था, आज तो यूसे ब्राउजर है, लेकिन उस समय 1993 के समय मौसिक यानी कि मौसिक वेबसाइट था जो कि बहुत फेमस था, जैसे कि आजकल क्रोम गूगल। आज आजकल इंटरनेट बहुत फेमस है लेकिन कभी आप
आपने सोचे हुए हैं या अपने आप से क्वेश्चन किए हुए हैं कि जो इंटरनेट है वह सबसे पहले कौन सा वेबसाइटों का यानी कि शुरुआत हुआ, डोमेन किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, उस वेबसाइट का क्या नाम। आज गूगल, क्रोम, इन सब बहुत वेबसाइट चल रहे हैं, लेकिन पहली बार वेबसाइट कौन सा लॉन्च हुआ था जो कि 15 मार्च 1985 को वेबसाइट था, नाम symbolics.com था, उस समय वो पहली बार रजिस्टर्ड हुआ था। मेरे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब।